सियासत के मैदान का आदमी तो नहीं हूं, लेकिन सारे सारे दाव पेच सारे हरबे जानता हूं, और यह बात तो बड़ी अच्छी तरह जानता है। हाँ, मैं जानता भी हूं और समझता भी हूं, लेकिन तुम कोई काम ऐसा नहीं करोगे जिससे पार्टी के लिए दुश्वारी हो। इसकी फिक्र ना कर, कोई दुश्वारी नहीं होगी पार्टी को। मैं खुद को कभी नुकसान नहीं होने देता। नीचे आया ना तू, तब चाय कर, आज तो चाय पिलाएगा। आज मुझे बड़ी सर्दी लग रही है, हालांकि अभी मौसम सर्द हुआ नहीं है इतना। रात को बुखार भी तो था आपको, और फिर दवा भी नहीं लाया आप। अरे क्या दवा लाऊं, नवीन ने परेशान कर रखा है। ये हाँ कर दे, इसकी शादी कर दूं तो एक तरफ को बैठूं। वैसे बड़ी मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूं। क्या करें, मैंने तो बहुत समझाया मगर वो नहीं मानती। मुझे डर है कहीं वो लोग खुद ही मना ना कर दें। वैसे मैं तो बहुत हैरान हूं, नवीन ने हमारे सामने कभी ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया। पहले तो हम जो भी कहते हैं वो मान जाती थी, मगर अब तो सुनी नहीं रही। जवान बेटियों के बड़े मसाइल होते, ऐसे मौकों पर माँ बाप बड़े बेबस होते। वैसे मुझे लगता है कि इसकी मर्जी कहीं और है, लेकिन ये हमें बता नहीं रही है। पर आप बात करें ना उससे। सलामुअलैकुम अब्बा। सलामुअलैकुम अम्मा। वालेकुम सलाम बेटा। आओ बैठो, तुम्हारे अब्बा बात करना चाह रहे हैं तुमसे। बैठो बेटा। बात तो मुझे भी करनी है आप लोगों से। अब्बू आप बताइए क्या बात है। हम तुमसे कुछ बात कर सकते हैं? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, जी कीजिए ना। बेटा तुमसे कहा था कि तुम्हारा रिश्ता है, हुआ है, उन्हें फाइनल जवाब देना है, तुमने क्या फैसला किया? मैंने जवाब तो दे दिया था, आप लोग उन्हें जवाब क्यों नहीं दे रहे? इसलिए बेटा कि तुम्हारे अब्बू चाह रहे हैं कि उनको मुस्बत जवाब दें। क्यों मुस्बत जवाब दें? जब मुझे वो रिश्ता पसंद ही नहीं है तो आप लोग मुस्बत जवाब क्यों देना चाह रहे हैं? और वैसे भी अब मेरी मसरूफियत बहुत बढ़ गई है, मुझे घर पे आके भी काम ही करना होता है। क्या फायदा दिन रात की मेहनत का, हम तुमसे कुछ मांग रहे हैं क्या? अब्बा मैं सिर्फ पैसे के लिए तो काम नहीं कर रही हूँ ना, ये एक सामाजिक खिदमत है। तुम शादी कर लो, फिर जो जी चाहेगा ना वो कर लेना। अम्मी जो मैं काम कर रही हूँ ना वो शादी के बाद मुमकिन नहीं है। ऐसा कौन सा काम है जो शादी के बाद मुमकिन नहीं है? अगर तुम्हारी बात ढंग की हुई तो वो खुद तुम्हारी मदद करेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे ये शादी नहीं करनी। तो क्या वो तुम्हारे इंतजार में बैठे रहेंगे? आप लोग इस रिश्ते से अब साफ इनकार कर दीजिए, नहीं तो मुझे इजाजत दे, मैं खुद कर दूंगी।